नमस्ते। बियॉन्ड द स्टोरी में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी। ये कहानी है दुनिया के सबसे लंबे काव्य ग्रंथ की, महाभारत की रचना की। महाभारत की रचना की थी ऋषि वेद व्यास जी ने। माना जाता है जब दुनिया की सारी नदियाँ सूखने लगीं, अकाल पड़ने लगा और धर्म का नाश होने लगा, तब जन्म हुआ वेद व्यास का, वेदों की पुनः स्थापना करने के लिए। वेद व्यास ने 4 वेद लिखे और साथ ही रचना की महाभारत की। दुनिया के सबसे बड़े ग्रंथ को लिखने के लिए उन्होंने चुना पार्वती जी और शिव जी के पुत्र श्री गणेश को। श्री गणेश ने खुशी खुशी महाभारत लिखने के लिए हामी तो भर दी, पर साथ ही एक शर्त भी रखी। वे बोले, मैं ये कविता एक ही शर्त पर लिखूंगा, अगर आप बिना रुके इसका उच्चारण करते रहे। अगर आप एक भी बार रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। ये सुनकर वेद व्यास जी काफ़ी चिंतित हो गए। उन्होंने काफ़ी देर सोचा, फिर बोले, मुझे आपकी ये शर्त स्वीकार है, पर मेरी भी एक शर्त है कि आप कोई भी श्लोक बिना समझे नहीं लिखेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो ये ग्रंथ खंडित हो सकता है। श्री गणेश ने शर्त स्वीकार की और लिखने बैठ गए। श्री गणेश लिखने में काफ़ी तेज थे और धीरे धीरे वेदव्यास थकने लगे, तो उन्होंने बीच बीच में द्विअर्थी श्लोक डाल दिए, जिन्हें समझने में श्री गणेश को समय लगता और उस समय में वेदव्यास आराम कर लेते। महाभारत में तकरीबन 8,800 द्विअर्थी श्लोक पाए जा सकते हैं। इस प्रकार से हुई महाभारत की रचना। आज भी महाभारत में हर छोटी बड़ी समस्या का हल पाया जा सकता है। ज़रा सोचिए, कितना बुद्धिजीवी होगा वो जिसने ऐसे काव्य को रचा। अब हम आपसे विदा लेते हैं और वादा करते हैं कि अगली बार इससे भी दिलचस्प कहानियाँ लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार।